गुड मॉर्निंग बच्चों, यू वेलकम इन मैथ्स क्लास। तो आप अपनी मैथ्स की बुक निकाल लीजिए। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 36, ठीक है, चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 36। ऐड द फॉलोइंग अमाउंट बाय कन्वर्टिंग इनटू पैसे। आपको इनको इन पैसे में कन्वर्ट करके फिर इन्हें ऐड कर देना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे कि रुपीज है 26 से इसको हम इनटू कर देंगे 100 से, ठीक है। 26 को इनटू किया हमने 100 से, तो क्या होगा, ये पैसे में आ जाएगा, ठीक है, पैसे में बदल जाता है। 25 पैसे तो हम उसको 25 को 25 में लेंगे। 78 रुपीज है तो इसको हम इंटू कर देंगे 100 से, तो ये 7800 हो जाएगा। 42 पैसे का वैसे ही लिख जाएगा। अभी सबको ऐड कर देंगे तो इतना हमारे 10467 पैसे हमारे आ जाएंगे, ठीक है, पैसे में बताना था ना। तो इसी तरीके से आप सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आप अपने आप से करेंगे, होमवर्क रहेगा सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, होमवर्क में रहेगा। अब नंबर 5 में आ जाइए, ऐड द फॉलोइंग। आपको इन्हें ऐड करना है कैसे, ऐड देखिए, जब भी ऐड करते हैं तो हमें रुपीस के नीचे रुपीस करना है, पैसे के नीचे पैसे करना है, ठीक है। अब इसमें 400, 295, 1356 और 14 दिया हुआ है, तो हम एक के नीचे एक लगाएंगे। इसमें पैसे नहीं दिए हुए तो इसलिए पीछे में हमें वही कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल इसको लिखते जाना है। पीछे के पीछे से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, नंबर 6। अब इसमें पैसे दिए हुए इंसान, ये सारे आपको इन्हें रुपीज में कन्वर्ट कर देना है। अब ये सारे पैसे हैं, इन्हें हम पहले ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद में क्या है, देखो बच्चों, ये पैसे हैं, अब इन्हें रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये पैसे है ना, तो हम क्या करेंगे, इनको इंटू इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो क्या आएगा 132 पैसे। अगर हम रुपीज में निकाले तो 100 से डिवाइड कर, ठीक है, और पैसों को सॉरी रुपीस को उसमें करना है, पैसे में करना है, तो क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 132.44 यानी कि 132.44 रुपए हमारे पास आ जाएंगे। ये तरीके से हो जाएगा। नंबर 7 देखिए, आपको ऐड करना है, ये आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, ये वाला आपको बस ऐड करना है। 2 4 2 1 4 6 8 आ जाएगा, 3 5 3 और 4 7 4, 7 and 1, 8, 4 का 4। इसी तरीके से आपको देखिए 8, 9 और 10 भी कर, ठीक है, ये आपका होमवर्क। थैंक यू बच्चों।